हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक रेडमी का नोट 10s डिवाइस आया हुआ है रिपेयर के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है गाइस, वो बिल्कुल ही डेड कंडीशन में हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। ये एक शॉपकीपर के थ्रू हमारे पास रिपेयर में आया हुआ है। उनका कहना है ये जो फ़ोन है वो डेड में ही उनके पास किसी कस्टमर ने दिया था, वो उन्होंने मुझे दिया है रिपेयर के लिए, ठीक है। तो ये सेट डेड है, चालू नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसको हम देखेंगे, ये फ़ोन जो वो डेड क्यों और इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी कंडीशन में ये हमारे पास रिपेयर में आया और इसी कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने यूएसबी का जो 6 पोर्ट वाला चार्जर होता है इसके अंदर उसको पहले यहां पर मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये डेटा केबल इनका बार बार हिलता है वीडियो के अंदर, जब भी मैं वीडियो में दिखाता हूं तब ये बार बार हिल जाता है, ठीक है। इनकी जो प्लग होती है वो बार बार हिल जाती है, ठीक है। तो चलो एक बार ही मैं इसको सही से कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ कि हिले नहीं, और इस तरीके से मैं एक बार सही से कर लेता हूँ पहले इसको, ठीक है गाइस। अभी देखो यहाँ पे ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा हुआ है और इस कंडीशन में सीधा यहाँ पे मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया, ओ यार यहाँ पे देखो 1 पॉइंट आया और यहाँ पे देखो 1616, यहाँ पे 1626, इस तरीके से रीडिंग देखो फैक्चुलेट हो रही है इनके रीडिंग में, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो रहा है ये, ठीक है। जब इसको हम चार्जिंग से बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक रुक जाता है। अभी मैं फिर से एक बार अगर इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार अगर इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तो फिर से इनकी रीडिंग देखो 0 1, और उसके बाद 6, उसके बाद 2, इस तरीके से जो है इनकी रीडिंग फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। अभी एक बार इसको हम डीसी मशीन के ऊपर चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन के ऊपर रीडिंग क्या मिल रही है, या फिर डीसी मशीन के ऊपर देखने को क्या मिल रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे इनका जो बूट केबल है वो ये है, और इनकी बैटरी को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ से अभी हम इसको शॉर्टिंग गाइस, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लगाने के बाद कोई भी एम्पेयर वगैरह कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है। मैं एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डीसी मशीन के ऊपर, देखो ठीक है, ओके है यहाँ पे सब कुछ, कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं है। और इसी कंडीशन में अगर मैं इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ तो इनकी गाइज रीडिंग देख सकते हो 200 के प्लस आ रही है, 218 मतलब 218, उसके बाद 183, और उसके बाद यहाँ पे 64 मतलब 64 समथिंग रीडिंग बन रही है। मैंने इनकी कंटिन्यू पावर बटन को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। जैसा मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो यार इस तरीके की कंडीशन सीपीयू से आती है, तो सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो चलो एक बार ही मैं पहले इसी कंडीशन पे इसको निकाल के देखता हूँ कि उन्होंने इसी कंडीशन में मुझे रिपेयर के लिए दिया था। तो यहाँ से सब कुछ हम पहले बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जो सीपीयू है उसको गाइज हम यहाँ पर रिवॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और गाइज देखो इधर का साइड का उन्होंने केन को ओपन किया हुआ है और इस पर कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट यहाँ से इनके केन को थोड़ा सा कट करते हैं साइड से और इनके जो सीपीयू उसको बाहर करके रिवॉल्व करके लगा के देखते हैं आगे क्या होता है।
दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने इसके जो सीपीयू है उसको मैंने प्रॉपर सही तरीके से रिवॉल्व करके इसके ऊपर फिट कर दिया है, जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप को थोड़ा साइड कर देता हूँ आपको, यहाँ पे इनकी थोड़ी सी लाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइज देख सकते हो यहाँ पे कि इनकी जो सीपीयू है वो मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। और गाइज अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर जो मैंने सीपीयू को रिवॉल्व किया है, अभी मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखो गाइज, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिर्फ ओनली मैंने इसके सीपीयू को सिर्फ रिवॉल्व करा है, ठीक है, और आगे मैंने कुछ भी इसके अंदर नहीं किया, ठीक है, सिर्फ सीपीयू को मैंने रिवॉल्व किया, ठीक है। चलो अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं ऑन करके कि क्या ये सेट ऑन होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके लिए सब कुछ हम यहाँ पे जो वो पैक कर लेते हैं। तो गाइज इसमें जो है ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे सीपीयू की वजह से ही आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम, जैसा कि आपने डीसी मशीन के ऊपर रीडिंग को देखा है किस तरीके की रीडिंग बन रही थी उसके ऊपर, और दूसरी चीज़ है कि उसके ऊपर जो यूएसबी चार्जर है उसके ऊपर भी किस तरीके की रीडिंग बन रही थी, वो दोनों रीडिंग जो है आपने देखा है गाइज। तो उम्मीद है कि उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। और अभी हम एक बार पहले जो सेट को चालू करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइज। देखो गाइज यहाँ पे आप यहाँ पे गाइज देख सकते हो कि हमारा जो सेट है वो कम्प्लीटली गाइज यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही डेड कंडीशन में हमारे पास रिपेयर में आया हुआ था। और लाइव मैंने इसकी जो सीपीयू है उसको मैंने रिवॉल्व कर दिया और इनकी जो प्रॉब्लम है गाइज वो 100% फिक्स हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है वो सीपीयू की वजह से ही आ रहा है, और ब्लैक पेस्टेड सीपीयू होता है तो इसी तरीके से निकल जाता है। बट आपके हाथ का स्किल मेन होता है कि किस तरीके से आप काम करते हो गाइज, ठीक है, क्योंकि बगल में यूएफएस भी लगा हुआ है, उस पर अगर गाइज आपका हिट लग जाता तो भी जो है आपको दोबारा मेहनत करना पड़ता, जो कई केस में ऐसा देखने को भी मिलता है। देखो गाइज यहाँ पे टच वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गाइज सब कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है। हमारा जो डेड फोन था वो गाइज यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो रिकवर हो चुका है गाइज। तो उम्मीद है गाइज ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, ठीक है। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।